हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज का जो हॉरर इंसिडेंट है बहुत क्रीपी है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एंड तक वीडियो को जरूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है आप सबको। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर किया जाना चाहिए, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, या मुझे अपने अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करिए। मैं उन सबको रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि हाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड वीडियो पर कमेंट जरूर करना। मैं सबके कमेंट्स रीड करता हूँ एंड ट्राई करता हूँ कि सबको रिप्लाई दूँ एंड अपना ओपिनियन आप सबके साथ शेयर करो। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम सब आज की हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। सोचिए, आप अपने घर पर अकेले बैठे हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आज की कहानी इसी भयानक अनुभव की है। अनिल बैंगलोर का रहने वाला है और बैंगलोर में काफ़ी लंबे समय से रह रहा होता है और वहीं जॉब कर रहा होता है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, काफ़ी अच्छी सैलरी होती है एंड काफ़ी समय जॉब करने के बाद वो इतने पैसे अर्न कर लेता है कि बैंगलोर में एक अच्छा फ्लैट ले सके। और काफ़ी लंबे समय इन्वेस्ट करने के बाद वो एक फ्लैट ले लेता है एंड उस फ्लैट में मूव कर जाता है और उस फ्लैट में काफ़ी अच्छे से रह रहा होता है। एक दो महीने बीत जाते हैं। अब इस फेक अजय के ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा होता है और वो काम की वजह से काफ़ी थक चुका होता है, स्ट्रेस हो चुका होता है। तो वो वेट कर रहा होता है वीकेंड का बहुत डेस्परेटली कि शनिवार एतवार आए, मैं चिल करूँगा, घर में बैठूँगा, इंजॉय करूँगा, टीवी देखूँगा, सारी थकान हटा दूँगा। एंड शनिवार आ भी जाता है और ये शनिवार भी हर शनिवार जैसा ही होता है, पर इस शनिवार बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। एंड बाद में अजय को पता लगता है कि पिछले दशक में होने वाली सबसे ज़्यादा बारिश आज के दिन रिकॉर्ड की गई है। और वो 12 बजे उठता है शनिवार के दिन और खाना नहीं खाया होता, ब्रेकफास्ट नहीं करा होता, तो उसे भूख लग जाती है। बारिश होने की वजह से वो बाहर से ऑर्डर करता है खाना और पनीर सब्जी ये सब कुछ मंगाता है, काफ़ी हैवी डाइट लेता है, खाता है। 2:30 बजे के करीब अजय को फिर से नींद आने लग जाती है। बट अजय को ये क्लियर होता है कि दिन में सोना सही नहीं होता, दिन में सोने से शरीर ख़राब होता है। तो वो अपना लैपटॉप उठाता है, लिविंग रूम में जाता है, लेट जाता है सोफे पे और लैपटॉप पर फ्रेंड्स शो देखना शुरू कर देता है। अब वो काफ़ी उसको उबासी आ रही होती है, नींद आ रही होती है और देखते देखते उसको कब नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं लगता। आने वाले आधे घंटे में अजय काफ़ी गहरी नींद में जा चुका होता है और उसको एक सपना आता है, या फिर यूं कहो कि अजय को लगता है कि उसे एक सपना आ रहा था। अब सपने में अजय देखता है कि उसका दोस्त और वो लिविंग रूम में बैठे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं और बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है और अचानक लाइट चली जाती है। अजय के पास कोई भी ऐसा फ़ोन वगैरह नहीं होता कि वो फ्लैश लाइट ऑन कर सके। अजय का फ्रेंड ऊपर की तरफ चला जाता है, जिस घर में वो रह रहे होते हैं वो डुप्लेक्स घर होता है, अंदर से ही पूड़ियाँ ऊपर जाती थी, तो वो पूड़ियों की तरफ जाता है। इतने में अजय को एक कैंडल मिल जाती है। अब जितनी देर उसे कैंडल मिलती है उसे जलाता है, बहुत ज़ोर से अजय के दोस्त की चीखने की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने अजय के दोस्त पर हमला कर दिया, किसी ने अटैक कर दिया हो। अजय दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ जाता है, वो देखता है और दंग रह जाता है कि सीढ़ियों पर खून ही खून हो रखा है, उसका दोस्त गिरा हुआ है, जख्मी है। जैसे ही वो नीचे बैठता है उसे उठाने की कोशिश करता है, उसकी नज़र ऊपर जाती है पौड़ियों की तरफ और वो देखता रह जाता है, उसका शरीर कांपना शुरू कर देता है। ऊपर एक औरत खड़ी होती है और जबकि उस घर में वो दोनों अकेले थे, औरत ऊपर खड़ी है जिसका शरीर बिल्कुल धुंधला सा नज़र आ रहा है, उसकी जो शक्ल है वो एक खोपड़ी की तरह है और उसकी ना आँख लाल है बिल्कुल चमकदार, और वो ऐसे नीचे नज़र कर कर देख रही है अजय की तरफ, उसकी छाती पर, और मानो अजय को ऐसा लग रहा था कि वो मेरी आत्मा को देख रही है। अजय चीखना शुरू कर देता है, हड़बड़ाहट में गिर जाता है, कांपना शुरू कर देता है, जोर जोर से चीख मारने की कोशिश करता है बट कुछ भी नहीं हो रहा। और वो औरत उसकी तरफ हल्के हल्के कदम बढ़ाना शुरू कर देती है, एक कदम दो कदम, और वो कॉन्टिन्यूस उसकी छाती की तरफ देख रही है। और अजय इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो बहुत ज़ोरों से चीखना शुरू करता है, बहुत ज़ोरों से, और सडनली उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है कि मैं सोफे पर ही लेटा हुआ हूँ और मेरी छाती पर मेरा लैपटॉप है, बाहर आवाज़ें आ रही हैं बारिश की। वो रियलाइज़ करता है ये सपना था और उसको एकदम से रियलाइज़ होता है कि मुझे उस औरत की चीखने की आवाज़ अभी भी आ रही है मेरे कानों में जबकि मैं उठ चुका हूँ। और वो कोशिश करता है मूव करने की, उसे चलने की आवाज़ आ रही है किसी के,
वो मूव कर रहा है हिलने की, पर वो मूव नहीं कर पा रहा, वो देखने की कोशिश कर रहा है बट आंखें एक सर्टेन अमाउंट तक ही घुमा पा रहा है, ना सर चक पा रहा है, ना हाथ घुमा पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना बॉडी को हिला पा रहा है। उसको ना एकदम अकड़ सा गया था उसका शरीर, और वो चीख मारने की कोशिश कर रहा है, आवाज़ें मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको कॉन्टिन्यूस आवाज़ें आ रही हैं उस औरत की, और महसूस हो रहा है कि कोई उसके बगल से चलता हुआ आ रहा है। और ये सिलसिला एक मिनट तक चलता है, और उस एक मिनट में अजय को ऐसा फील होता है कि मानो वो दो दुनिया के बीच में फंस गया, ना वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, ना वो रियल वर्ल्ड में, बीचों बीच फंसा हुआ है। पूरी कोशिश करता है वो आवाज़ मारने की, उसको सामने पोस्टर दिखता है एक, जिस पोस्टर पर भगवान की फ़ोटो थी। अब वो सोचता है कि ऊपर भगवान की फ़ोटो की तरफ देखूंगा अगर मैं, और भगवान से बस प्रार्थना करूंगा तो शायद ये जो परिस्थिति आ रखी है ये सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और सब कुछ जो भी मुझे उल्टा सीधा लग रहा है ये ठीक हो जाएगा। वो बहुत कोशिश करता है अपनी आंखें उठाने की और भगवान को देखने की, बट वो आंखें उठा ही नहीं पाता, वो सिर्फ उस फोटो तक ही देख पा रहा होता है, पैरों तक, वो आंखों तक भगवान के पहुंच ही नहीं पाता। रोने लग जाता है, चीखने लग जाता है, और सडनली 5 मिनट तक ये सब चलता है, और एकदम से ना उसके दिमाग की सोचने की शक्ति, उसका शरीर हिलना डुलना शुरू कर देता है, और अचानक ही वो उठ जाता है, कांपता हुआ इधर उधर देखता है कि सब कुछ ठीक है, कोई भी नहीं दिखता उसे, कोई आवाज़ नहीं, वो दरवाजे के बाहर की तरफ दिखता, कोई भी नहीं है, वो कांप रहा है और अपने मन को ये सोचा रहा है कि शायद मैं ये वहम था, मैं एक सपना देख रहा था, और शायद ये जो सब हुआ है एक वहम है। और वो अपने आप को बोलता है कि आगे से मैं कभी दोपहर में नहीं सोऊंगा, और कभी बारिश हो रही होगी बाहर तो मैं कभी नहीं सोऊंगा, वो अपने आप को ऐसे मना लेता है। बट उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में वो कभी भी सोफे पे बैठे या बारिश की आवाज़ सुने तो उसको वो सपना याद आता था, और वो बहुत डर जाता था, आत्मा तो उसकी कांप जाती थी, वो एकदम डर के मारे एक कोने में बैठना, लाइट ऑन कर देना, कांपना, पूरी ऐसे रोंगटे खड़े हो जाना, उसके साथ ऐसी हालत हो जाती थी। आने वाले बीतते दिनों में वो कभी भी अपने लिविंग रूम में जाता था और सोफे पर बैठता था, उसको वही चिल्लाहटें सुनाई देती थी, उसी औरत की वो आवाज़ें सुनाई देती थी, और वो डर जाता था। तो उसने डिसाइड करा, मैं अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताऊंगा, अपने पेरेंट्स को बताता है, फ्रेंड्स को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ और मैं इस चीज़ को भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे बताओ, मुझे डर लग रहा है, मेरे को अकेले में मेरा शरीर कांपता है, मेरे हाथ कांपते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे पकड़ लेगा, वो औरत की आवाज़, वो शक्ल, वो धुंधलापन मुझे डराता है बहुत। तो उसके पापा, पेरेंट्स, फ्रेंड्स सब उसको, कोई बोलता है कि ये तेरा बस मानसिक तनाव है और कुछ भी नहीं है, कोई बोलता है कि तुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ है, ये एक बीमारी है और कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और खुद से आज अपने आप में कभी ये चीज़ों पे विश्वास भी नहीं करता था, पर बीते दिनों में जो उसके साथ हो रहा था वो ये चीज़ें नहीं भुला पा रहा था। अब मन ही मन वो ये सोचने लगा था कि अगर ये सब मेरा सोचा हुआ है दिमाग से, तो सबसे बड़ा डर हमारा मन का डर होता है, कि वो ना होते हुए भी मुझे इतना डरा दे रहा है कि ये सब हो रहा है। और दूसरी तरफ उसका दिमाग काम करता था कि अगर ये सब है, ये रियल में हो रहा है, क्योंकि उसको खुद को पता था कि किस लेवल का रियलिटी पे सब कुछ उसके साथ हो रहा था और कितने गहरे उसको घाव लग चुके थे इन चीज़ों के। तो उसको लगता था अगर ये सब होता है तो क्या सच में हमारे आसपास कुछ अज्ञात शक्तियाँ रहती हैं। वो ऐसे सवालों में उलझ गया था, और उसने डिसाइड करा आने वाले कुछ दिनों में घर के कोने कोने को वो गौर से देखता था, किसी की भी परछाई दिखे तो उसे गौर से देखता था, घर में किसी की भी अजीब आवाज़ आए या कोई भी आवाज़ आए तो उसे गौर से सुनता था, क्योंकि वो मन ही मन मान चुका था कि इस घर में कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा था इस घर में कोई अनहोनी हुई है या उससे कुछ गलत हुआ है जिस वजह से उसके साथ ये सब चीज़ें हो रही थी। और एक रात वो शाम को लेटा हुआ होता है अपने रूम में, उसको एक आवाज़ आती है और उसको लगता है कि शायद ये उसकी कल्पना थी और शायद ये उसका वहम था। बट कुछ मिनट बाद वो आवाज़ दोबारा आती है, क्यों, ये आवाज़ होती है क्यों, और ये आवाज़ इतनी स्पष्ट होती है, इतनी साफ होती है कि उसको सुनाई देती है, और ये ऐसी आवाज़ थी फुसफुसाहट जैसी आवाज़ की, किसी ने फुसफुसाहट कर बोला है कुछ। अब वो डर जाता है, थोड़ा सा बौखला जाता है, खड़ा हो जाता है, इधर उधर देखता है और समझता है कि कोई भी आसपास नहीं है तो ये आवाज़ कैसे आई, मेरी कल्पना पहले हो सकती थी पर इस बार मेरी कल्पना नहीं है, ये कैसे हो सकता है। जितनी देर वो अपने आप को समझाता मनाता, उसको एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ में बोलती है, क्यों तुमने मुझे छोड़ा क्यों, और वो आवाज़ इतनी क्लियर थी कि किसी ने उसके कान में बोला, उसको सांस तक महसूस होती है,
कि मेरे कान में किसी ने बोला, क्यों तुमने मुझे छोड़ा? और वो इतना घबरा जाता है, मन ही मन भगवान का नाम लेने लग जाता है, पैर कांपने लग जाते हैं, खड़े खड़े वो रोने लग जाता है, पर जैसे तैसे हिम्मत जुटा के वो स्विच तक जाता है और लाइट ऑन करता है और देखता है इधर उधर दरवाजे से बाहर। सब चीज़ें वैसे ही थी जैसी होनी चाहिए थी और कुछ भी मूवमेंट नहीं थी, बट वो आवाज़ किसकी थी? वो घबरा गया उस चीज़ को सुनकर, और जैसे तैसे उसने आपको मनाया और बैठ गया, बैठा रहा लाइट ऑन करके बैठा रहा, और रात हो जाती है और वो सोने चला जाता है। जिस समय वो सोने की कोशिश कर रहा होता है, उसको महसूस होता है कि आसपास कोई चल रहा है, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, और वो चलने की आवाज़ें हूबहू वैसी ही है जो उसने सपने में सुनी थी। और कुछ देर बाद वो डर कर मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसको नींद आ जाती है, और नींद आते ही उसको एक आवाज़ आती है उसके कान में, जैसे कोई बगल में उसके बैठा हो, खड़ा हो, और वो आवाज़ आती है, क्यों तुमने मुझे छोड़ा, क्यों? और वो डर के मारे जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वो दृश्य उसकी लाइफ का सबसे डेंजरस दृश्य था। वो देखकर कांपना शुरू कर देता है कि उसको सामने दिखता है वही औरत सामने खड़ी है, उसका दुधला शरीर दिख रहा है, उसकी वही खोपड़ी है, वो लाल आंखें चमकदार, और उसकी छाती को देख रही है, और वो चीख रही है अजय पर कि क्यों तुमने मुझे छोड़ा, क्यों तुमने मुझे छोड़ा। और वो चलते हुए अजय की तरफ आ रही है, और अजय चीख मार रहा है, बहुत जोरों से चिल्ला रहा है, हिलने की कोशिश कर रहा है, पर वो हिल नहीं पा रहा, उसका पूरा शरीर अकड़ चुका है, और वो चीखते चीखते उसके पास आ रही है, क्यों तुमने मुझे छोड़ा, क्यों, क्यों तुमने मुझे छोड़ा। और अजय भगवान का नाम लेके चीखे मार रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, और सडनली चीख मारते मारते वो रियलाइज़ करता है उसकी आँख खुल गई और वो एक सपना देख रहा था। वो बैठता है, पसीने से तरबतर हो चुका होता है बेड पर बैठते, आधी रात हो रही होती है, और वो रियलाइज़ करता है कि एक भयानक सपना था, पर वो ऐसा फील कर रहा था कि जैसे वो सपने में ही है, अभी भी उसी भयानक जो उसके सामने घटना घट रही थी उसी घटना में है वो। और वो सोचता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो इतना समझ चुका था इस घर में कुछ ना कुछ गलत है। उसके बाद हर रोज़ उसको वही सपने आने शुरू हो जाते हैं, वो औरत दिखती है उसको सपने में उसी कॉर्नर में, और उसको बोलती है क्यों तुमने मुझे छोड़ा, क्यों तुमने मुझे छोड़ा, वो चिल्लाती है, रोती है, और क्यों तुमने मुझे छोड़ा, यही चीज़ दोहराती है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, पाँच दिन, दस दिन, बीस दिन, काफ़ी दिन बीत जाते हैं ऐसे ही, और अजय बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन वो बाहर घूम रहा होता है और उसके पड़ोसी से उसकी मुलाकात होती है, क्योंकि अक्सर अजय अपने आप ही घर में रहता था और अपने ऑफिस में जाया करता था। उसके पड़ोसी से मुलाकात होती है, और वो पड़ोसी से बातों ही बातों में पूछता है कि यार जो ये बगल वाला घर है इसमें क्या हुआ है, कोई इसकी घटना है, इसमें कुछ हुआ था क्या? तो उसका पड़ोसी उसको बताता है, ये जो आपने घर लिया है ये काफ़ी लंबे समय से वैकेंट था, खाली था, यहाँ कोई भी नहीं आया हुआ था, आप आए हो एक लंबे समय बाद, और काफ़ी समय पहले यहाँ एक लड़की रहती थी और उसकी काफ़ी मिस्टीरियस डेथ हुई, और वो कैसे मर गई किसी को भी पता नहीं लगा, और उसके मरने के बाद काफ़ी लोगों ने कहा कि हमने महसूस करा है कि यहाँ, हमने उसको फील करा है कि वो लड़की आज भी यहाँ है। एंड अब उस बात को काफ़ी लंबा समय बीत गया, काफ़ी समय से वो घर खाली था, और अब आपने वो घर खरीदा है। अब अजय समझ चुका था कि जो वो लड़की दिख रही है, जो वो औरत उसको सपनों में दिख रही है, जो वो औरत उसको हॉन्ट कर रही है, ये हो ना हो ये वही औरत है जिसकी मिस्टीरियस डेथ हुई थी उस घर के अंदर। अब अजय अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, वो घर नहीं जाता, वो एक बाबा के पास जाता है, एक पंडित के पास जाता है, उनको पूरी की पूरी हिस्ट्री बताता है कि मुझे ऐसा पता लगा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे सपनों में एक औरत दिखती है, और मुझे सपने इतने रियल लगते हैं कि मेरे साथ सच में ये सब कुछ हो रहा है, आप मेरे घर चलो। बाबा आते हैं, पूजा करते हैं, और कुछ पूजाएं अजय को बताते हैं कि मेरे साथ कर। अब जैसा जैसा वो अजय को बताते हैं, अजय वैसा वैसा करता जाता है, और सब कुछ होने के बाद बाबा कहते हैं कि हाँ, इस घर में कोई स्पिरिट है, कोई साया है, कोई आत्मा है जो बहुत परेशान है, मुक्त नहीं है, उसकी मुक्ति के लिए हमें काम करना होगा, क्योंकि वो मुक्त होना चाहती है। अब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाने के बाद जैसा बाबा पंडित बोलते हैं कि अजय तुम ये चीज़ फॉलो करो, वो सब फॉलो करता है, और बाबा उसके बाद चले जाते हैं बोल करके अब सब ठीक है। अजय उस रात सोता है, उस रात पे उसको सपना आता है, और उस रात जब सपने में उसको वही औरत दिखती है, वो चलते हुए अजय की तरफ आती है, पर इस बार वो चिल्ला नहीं रही होती, वो चुपचाप अजय की तरफ आती है और अजय को बोलती है धन्यवाद, और मुड़ती है और वापस जाना शुरू करती है, और वो हल्के हल्के फेड हो जाती है। वो आखिरी बार सपना था जो अजय को आया था। अजय जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठा, अजय का कहना था कि
मुझे एक दबावपन महसूस होता था इस घर में, वो महसूस नहीं हुआ। मुझे एक नेगेटिविटी एनर्जी फील होती थी, वो फील नहीं हुआ। मुझे एक घबराहट होती थी, घुटन होती थी, डर लगता था, वो सब कुछ नहीं हुआ। और घर एकदम से ऐसा लग रहा था बहुत नॉर्मल है, बहुत लाइट है, बहुत शांत है घर। और उसको समझ आ गया था कि शायद मैंने बाबा ने जो पूजा करी है और वो जो मुझे औरत दिखती थी उसने धन्यवाद बोला, वो शायद मुक्ति मिल चुकी है उसको और अब वो जा चुकी है, अब ये घर बिल्कुल ठीक है। तो उस दिन अजय को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यस, जो स्पिरिट्स होती हैं, आत्माएँ होती हैं, ये होती हैं। कुछ होती हैं आत्माएँ जो अटक जाती हैं, मुक्त नहीं हो पाती। कुछ होती हैं जो किसी वजह से अटक जाती हैं, अकाल मृत्यु के कारण और बदले की भावना से रह जाती हैं। तो कुछ होती हैं जो सिर्फ रह जाती हैं तुम्हें परेशान करने के लिए। अगर तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो हो सकता है कि उस केस में उस आत्मा को, स्पिरिट को, साय को तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो। जैसे इस केस में वो आत्मा सिर्फ मुक्ति चाहती थी और अजय ने वो मुक्ति दिलाई और वो उसको धन्यवाद कर कर गई। और उस दिन के बाद उसका घर पूरा सेफ था, कभी भी उस घर में उसने कुछ भी फील नहीं करा एंड वो बहुत सेफ फील करता था उस घर में। तो ये जो इंसिडेंट था, ये अजय का इंसिडेंट था। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, मैं उन सबको रीड करूँगा एंड अपने ओपिनियंस भी आप सबके साथ शेयर करूँगा। और अगर आप लोगों के पास कोई ऐसे हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर करें चाहे चाहिए, ये नहीं मेरी जीमेल आईडी, यहाँ मेरे साथ शेयर करूँ, मैं रीड करूँ एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ ये हॉरर इंसिडेंट शेयर करूँ। एंड वीडियो पर हम 2K लाइक्स का टारगेट रखते हैं एंड 200 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं। आई होप आप सब ये पूरा करोगे, आपको स्टोरी पसंद आएगी। और इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।